अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मीटलेस हाई प्रोटीन मील्स किस तरह से आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं ड्यूरिंग योर वेट लॉस। और देखें, आजकल इतनी महंगाई है तो आप 7 डेज तो आप चिकन, अंडे, फिश, मटन ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते, तो 3 दिन आप जो है वो इस तरह से हाई प्रोटीन मील्स ले सकते हैं और आपका इससे भी आपका प्रॉपर वेट लॉस होगा। राइट, अच्छा जी, इसमें डिनर तो मैंने आपको अपने किचन में रेडी करके बता दिया है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट और लंच मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा जी, इसमें ब्रेकफास्ट में यह है कि आप जो है वो जौ के दलिये का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो ओट्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी ही होती है। ये देखें, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है, मैंने बहुत सारी रेसिपीज इसकी पोस्ट की हुई हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे अपने मील्स भी होते हैं और मेरे जो क्लाइंट्स और जो मेरे पेशेंट्स के जो मील्स होते हैं वो भी मैं पोस्ट करी होती हूँ, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्वांटिटी भी लिखी होती है और पोर्शन साइज को भी अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। राइट, अच्छा जी, ये देखें, ये जो मील है इसमें ये है कि आपका ये ओट मील है और आप इसमें जौ के दलिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है 4 to 5 टेबल स्पून आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में कुक करके, और उसके अंदर अगर आप मिल्क थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो मिल्क ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें आप ग्रीक योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप बादाम और अखरोट आप इसे इस्तेमाल करें, पिस्टैशियोज भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर ये तीनों चीज़ें अगर आप नहीं डालना चाहते और जिन लोगों को पीनट्स से एलर्जी नहीं है वो पीनट्स को भी, जो पीनट बटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और समटाइम्स आप इसमें हाफ एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, हाफ बनाना भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लूबेरीज ऐड कर लें, जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं आप समटाइम्स इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट फ्रूट्स भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बनाना आप इस्तेमाल करेंगे वो जो कच्चा कच्चा सा जो बनाना होता है, जो ग्रीन कलर का बनाना होता है, जो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, वो उसका आपने इस्तेमाल करना है। राइट, अच्छा जी, तो ये बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। चिया सीड्स भी आपको जो है वो एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा और आपको वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फ्लैक्स सीड्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, लंच में मैंने क्या प्रिपेयर किया था, लंच में जो है वो मैंने दाल सूप बनाया था विद ब्रोकली, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ना, जो लौकी होती है ना उसको ग्रेट करके मैंने दाल के अंदर ही कुक कर लिया था, और 1 टीस्पून घी ऐड करके मैंने इस दाल सूप को रेडी कर लिया था। लौकी ऐड कर दी थी और उसके अंदर ब्रोकली थी, तो ये कंप्लीट मील हो गया। इसके अंदर वेजिटेबल भी आ गई, आपकी जो प्रोटीन भी आ गया दालों की वजह से, फाइबर भी मिल गया आपको, तो ये बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होता है और गुड फैट्स भी इसके अंदर है, तो ये बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, आपको इसके साथ और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा जी, डिनर मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था ये आप चल के देख सकते हैं कि डिनर मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था अपने किचन में। ये देखें, मैंने क्या किया कि 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बटर भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, और मैंने चिक पीस को पहले ऑयल में मैंने ज़ीरा थोड़ा सा रोस्ट किया, फिर ग्रीन चिली, ये देखें नज़र आ रही है, थोड़ा सा गार्लिक था, और उसके बाद फिर मैंने ये चिक पीस और मटर जो हैं, जो पीस होते हैं, इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, और देखें इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। उसके अंदर स्पाइसेस क्या ऐड की मैंने, रेड चिली पाउडर, पिंक सॉल्ट और सोया सॉस और एप्पल साइडर विनेगर। बस अब जब मैं इसे सर्व करूँगी तो आप इसके अंदर लेमन भी स्क्वीज़ कर लें, लेमन से भी इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। और पिंक सॉल्ट मैंने ऐड किया, तो इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है चाट मसाला ऐड करने की, अगर आप चाट मसाला ऐड करेंगे तो फिर पिंक सॉल्ट को ऑमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप इसे एक हेल्दी सैलड के साथ आप इसे ले सकते हैं, या आपका वैसे ना थोड़ा सा चीट मील भी हो सकता है। चीट मील इसलिए कि इसके अंदर पीस हैं, और जब हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें पीस जो है वो हम नहीं लेते हैं समटाइम्स, तो आप इस तरह से जब आपका दिल चाहे तो आप ले सकते हैं। और चिक पीस की जगह आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, ग्रिल चिकन के पीसेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये था, इसको आप सूप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मैंने ब्रोकली और दाल सूप बनाया हुआ है और अभी तो मैं इसे सर्व करूँगी उसके साथ, सैलड के साथ। तो ये देखें कितना कलरफुल लग रहा है ना, इसमें आप अपनी मर्ज़ी के भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का लगता है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसे बनाएं, इन्जॉय करें,
और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर लिया है और बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। लेट मी ट्राई। बहुत अच्छा लग रहा है। सैलड के साथ पहले आप कंज्यूम करें सैलड, और सैलड में सलाद पत्ता है, कैबेज है, ऑलिव ऑयल है, और इसमें सिरका और लेमन मैंने ऐड किया हुआ है सैलड में। आप इसके अंदर पनीर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, इस सैलड में पनीर क्यूब ऐड कर सकते हैं, इसमें भी पनीर क्यूब ऐड कर सकते हैं, अगर जैसे मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगता है और आप इंजॉय कीजिए इसे। अच्छा जी, आपने देखा कि आप हफ्ते में 3 दिन इस तरह के मेज ले सकते हैं। देखें, अगर ये तो काफ़ी सारे लोगों की सर्विंग थी, एक सर्विंग मैंने आपको दिखा दी, तो थोड़े से मटर और कॉर्न्स भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो कॉर्न्स और मटर को जो है वो ओमिट कर देना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे मेज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनको बनाइए, इन्जॉय कीजिए, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसी मजीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।